नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सुखनासोपदेश के लक्ष्मी वर्णन को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी के परस्पर विरोधी स्वभाव को समझा, उसकी जो विशिष्टताएं हैं उनका हमने अध्ययन किया। इस वीडियो में और इस अनुच्छेद में हम देखेंगे कि लक्ष्मी किस प्रकार से मनुष्य में दुर्गुणों का आविर्भाव करती है, उसे बुराइयों से ग्रसित कर देती है, उसे बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, किस प्रकार से व्यक्ति को बिगाड़ देती है, इसका सुंदर चित्रण कवि ने रूपक अलंकार के माध्यम से किया है। यथा यथा च इयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखा इव कज्जल मलिनम एव कर्म केवलम उद्वमति तथा ही इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विश्वल्लीनाम व्याधकीतिह इंद्रिय मृगाणाम परामर्श धूमलेखा सचरित चित्राणाम विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम निवास जीर्ण वलभि धन मद पिशाचिकानाम तिमिर उद्गतिह शास्त्र दृष्टिनाम पुरह पताका सर्व अभिनयानाम उत्पत्ति निम्नगा क्रूर आवेग ग्रहाणाम आपान भूमिह विषय मधुनाम संगीत शाला भ्रूविकार नाट्यानाम आवास दरी दोष आशी विषाणाम उत्सारण व्यत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम अकाल प्रावृत गुण कलहंसकानाम विसर्पण भूमिह लोक अपवाद विस्फोटकानाम प्रस्तावना कपट नाटकस्य कदलिका कामकरिणः वद्यशाला साधु भावस्य राहु जिह्वा धर्म इंदु मंडलस्य न हि तं पश्यामि यो हि अपरिचित अनया न निर्भरम उपगूढः यो वा न विप्रलब्धः नीतम इयम आलेख्यगतापि चलति पुस्तमयपि इन्द्रजालम् आचरति उत्कीर्णापि विप्रलभते श्रुतापि अभिसंधत्ते चिन्तितापि वञ्चयति यथा यथा च इयम चपला दीप्यते। जैसे जैसे च मतलब और जैसे जैसे इयम चपला यह चंचला लक्ष्मी दीप्यते उद्दीप्त होती है बढ़ती है तथा तथा वैसे वैसे दीप शिखा इव दीपक की लोक के समान कज्जल मलिनम एव काजल के समान केवलम मलिन कर्म एव केवल मलिन कर्म को ही केवल बुरे कर्म को ही काले कर्म को ही उद्वमति उगलती है। जैसे दीपक की लोक जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे काजल को उगलती है, काजल देती है, काजल को छोड़ती है, काली माँ को छोड़ती है, वैसे ही यह लक्ष्मी भी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति में मलिन कर्मों को और अधिक बढ़ाती जाती है। मलिन कर्म से तात्पर्य भ्रष्टाचार, हिंसा, द्युत क्रीड़ा, मदिरापान आदि कुकर्मों का उसमें विकास करती, कुकर्मों को बढ़ाती जाती है, दुष्कर्मों को प्रकट करती रहती है, बुरे कर्मों का व्यक्ति में आविर्भाव करती है, उन्हें उत्पन्न करती है, उन्हें बढ़ाती है। जैसे ही व्यक्ति के पास धन हो जाता है, वो समृद्ध हो जाता है, ये दुर्गुण उसमें स्वतः ही उत्पन्न होने लगते हैं। तथा ही और बताया है किस प्रकार से वह दुर्गुणों को उत्पन्न करती है। तथा ही जैसे कि इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विष वल्लीनाम इयम यह लक्ष्मी तृष्णा विश्वल्लीनाम तृष्णा रूपी विश्वल्लीनाम विश्वल्ली यानी लताएं तृष्णा रूपी विश्व लताओं को संवर्धन बढ़ाने वाली वारी धारा जल की धारा है। जैसे जल की धारा से लताओं को संवर्धित किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जल से लताओं को सींचा जाता है और वो वृद्धि को प्राप्त करती है, वैसे ही यह लक्ष्मी मनुष्य की तृष्णा को बढ़ाती है, उसके लालच को बढ़ाती है, विविध सांसारिक भौतिक विषयों को प्राप्त करने की उसकी लालसा को बहुत अधिक बढ़ा देती है, उसमें लालच उत्पन्न कर देती है काम भोगों को भोगने का।
व्याध कीति है इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय मृगाणाम इंद्रिय रूपी हरिणों के लिए व्याध कीति है, शिकारियों का गान है। जैसे शिकारी मधुर मनमोहक गान के द्वारा, संगीत के द्वारा हरिणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर उनका वध कर डालते हैं, वैसे ही यह लक्ष्मी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इंद्रियों को आकर्षित करने से इंद्रियां विषयों की ओर भागती है और विविध विषयों को प्राप्त करने की अभिलाषा करती है। श्रोतेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय, ये इंद्रियां विविध भौतिक, स्त्री पुत्र मकान धन आदि विविध भौतिक सुखों और विषयों की ओर भागती है और मनुष्य अंततो गत्वा सांसारिक विषय वासनाओं की ओर भागता हुआ अंत में विनाश को प्राप्त हो जाता है। परामर्श धूमलेखा सच्चरित्र चित्रणम, सत्चरित्र सदचरित्र रूपी चित्रों को परामर्श ढकने वाली, आच्छादित करने वाली धूमलेखा धुएं की रेखा है। जैसे धुएं की पंक्ति चित्रों को ढक देती है, धुआं यदि चित्र के ऊपर लग जाए तो वो चित्र साफ दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही यह व्यक्ति के सदचरित्र को, सदाचरण को ढक देती है, उसके गुणों को, अच्छे आचरण को ढक देती है और उस व्यक्ति में बुराइयां उत्पन्न होने लगती है। विभ्रम शय्या मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए, चिर निद्रा के लिए यह लक्ष्मी विभ्रम शय्या विलास की शय्या है, आराम की कोमल शय्या है। जैसे कोमल शय्या पर व्यक्ति को चिर निद्रा आती है, अच्छी और दीर्घ काल के लिए नींद आती है, वैसे ही लक्ष्मी के आते ही व्यक्ति में मोह उत्पन्न हो जाता है, उसमें अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है, अविवेक उत्पन्न हो जाता है और यह अविवेक और अज्ञानता और विवेकहीनता की स्थिति उसमें चिरकाल तक बनी रहती है। निवास जीर्ण वल्लभी धनमद पिशाचिका नाम, धनमद रूपी पिशाचिनियों के निवास रहने के लिए जीर्णवल्लभी पुरानी अट्टारिका है। जैसे पुराने जीर्ण शीर्ण भवनों में या अट्टारिकाओं में पिशाचिनियाँ अर्थात प्रेतनियाँ रहती है, निवास करती है, वैसे ही लक्ष्मी भी, लक्ष्मी के आने से व्यक्ति में धन के कारण मद अर्थात अहंकार उत्पन्न हो जाता है। ऐश्वर्य के अभिमान में लक्ष्मी निवास करती है, लक्ष्मी के आने से मनुष्य में ऐश्वर्य का, वैभव का अभिमान उत्पन्न हो जाता है। तिमिर उद्गति है शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी नेत्रों के लिए तिमिर उद्गति है, तिमिर रोग की यह उद्गति उत्पत्ति है। जैसे नेत्रों में तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता है और नेत्रों से दिखाई नहीं देता, वैसे ही इस लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति शास्त्रों में कही हुई बातों को नहीं देख पाता है, शास्त्र नहीं देख पाता है, शास्त्रों के अनुसार वह आचरण नहीं करता है। पुरह पताका सर्व अविनयानाम, समस्त अविनयों की पुरह आगे चलने वाली पताका है, यह ध्वज के समान है। जैसे ध्वज आगे लगा रहता है तो उस ध्वज से पीछे आने वाली सेना का अनुमान हो जाता है, इसी प्रकार लक्ष्मी के आने से समस्त अविनयों, उद्दंडताओं और दुर्गुणों का अनुमान हो जाता है। लक्ष्मी के आते ही व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की उच्छृंखलताएँ और दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। उत्पत्ति निम्न का क्रोध आवेग ग्राहाणाम, क्रोध के आवेग रूपी ग्राह, आवेग मतलब आवेश, क्रोध के आवेश रूपी ग्राहाणाम मगरमच्छों को उत्पत्ति उत्पन्न करने वाली निम्न का नदी है। जैसे नदी में मगरमच्छ उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति में क्रोध का आवेश उत्पन्न हो जाता है, अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। अपान भूमि विषय मधुनाम, विषय रूपी मदिरा के लिए यह अपान भूमि मदिराशाला है, मध्यशाला है। जैसे मध्यशाला में मदिरा रहती है, वैसे ही विषय लक्ष्मी में रहते हैं। लक्ष्मी के आते ही व्यक्ति विषयों का भोग करने लगता है, विषयों की बहुत अधिक विषयों की ओर वह भागता है, तो विषयों के रहने का ये स्थान है। संगीत शाला भ्रूविकार नाट्यानाम, भ्रूविकार भोहों को सिकोड़ना या फैलाना
अधिभूहों की जो विभिन्न परिवर्तन है, विकार है, तो भ्रू विकार रूपी नाट्यानाम अर्थात अभिनय, अभिनयों की संगीतशाला है। जैसे संगीतशाला में भौहों को सिकोड़ना, भौहों को चढ़ाना आदि अनेक प्रकार के अभिनय किए जाते हैं, वैसे ही इस लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति का जो चेहरे के जो हाव भाव है वे ही बदल जाते हैं। कभी वह धन के अहंकार में भौहें तिरछी करके देखता है, कटाक्षपात करता है, या कभी भौहें चढ़ाता है या त्योरियां चढ़ाता है, तो इस प्रकार से भौहों के विकार उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। आवास धरी दोष आशी विषाणाम, दोष रूपी आशी विष यानी जहरीले सर्पों के आवास धरी रहने की गुफा है। जैसे जहरीले सर्प गुफाओं में रहते हैं, वैसे ही दोष अर्थात काम, क्रोध, द्वेष, अहंकार, मद, माया, लोभ आदि, मान, अहंकार आदि दोष मनुष्य में उत्पन्न होने लगते हैं। उच्चारण वैत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम, सतपुरुषों के व्यवहार या आचरण को उच्चारण यानी हटाने के लिए वैत्रलता बेत की लड़ी है, बेत की लता है। जैसे बेत की लता के द्वारा व्यक्तियों को हटाया जाता है, राज दरबार में वैत्र यष्टिधारी जो द्वारपाल होते हैं वो राजा के द्वार से जैसे व्यक्तियों को हटाते हैं, इसी तरह यह लक्ष्मी सज्जनों के सद्व्यवहार को हटाती है, उनके आचरण को हटाती है, दूर कर देती है। अकाल प्रावृत गुण कलहंस का नाम, गुण रूपी कलहंसों के लिए अकाल प्रावृत असमय की प्रावृत अर्थात वर्षा ऋतु है। जैसे असमय की वर्षा से कलहंस मैदानी हिस्सों को छोड़कर और मानसरोवर की ओर चले जाते हैं या पृथ्वी से लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति में गुण भी लुप्त होने लगते हैं। गुण से तात्पर्य दान, दया, दाक्षिण्य आदि गुण उसमें से समाप्त होने लगते हैं। विसर्पण भूमि है लोक अपवाद विस्फोट का नाम, यह लोक निंदा रूपी विस्फोट का नाम, फोड़े फुंसियों को विसर्पण फैलाने वाली भूमि है, स्थान है। जैसे व्यक्ति की त्वचा पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ऐसे ही लक्ष्मी के आने से लोक निंदा बढ़ती है, लोगों में निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। प्रस्तावना कपट नाटक से, कपट नाटक की प्रस्तावना है, यह कपट रूपी नाटक की प्रस्तावना है। जैसे नाटक का प्रस्तावना से पता चल जाता है कि नाटक में क्या होने वाला है, इसी तरह से लक्ष्मी के आने से व्यक्ति में कपट की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कदलिका काम करेण, काम रूपी हाथियों के लिए है, केले की वाटिका है। जैसे हाथी केले की वाटिका में स्वच्छंद विचरण करते हैं, वैसे ही काम वासनाएं लक्ष्मी में स्वतंत्र विचरण करती है, व्यक्ति में काम भावनाएं बढ़ जाती है लक्ष्मी के कारण। वधशाला साधु भाव से, साधु भाव सज्जनता की वधशाला है, सज्जनता का वध होता है बुराई ना, उसमें उत्पन्न होने लगती है। राहु जिह्वा धर्मेन्दु मंडलस्य धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहु की जिह्वा है। जैसे राहु चंद्र माँ को ग्रसित करता है, वैसे ही यह लक्ष्मी धर्म को ग्रसती है। लक्ष्मी के आने पर व्यक्ति धर्म का साथ छोड़ देता है, अधर्मी बन जाता है। न ही तम पश्यामि, मैं ऐसे उस मनुष्य को ही निश्चय ही न पश्यामि नहीं देखता हूँ, यो ही अपरिचित अनिया, जो इस निश्चय ही अर्थात निश्चय ही इस अपरिचित लक्ष्मी के द्वारा निर्भरम उपगुड़ न पूर्ण रूप से आलिंगनबद्ध न किया गया हो, वा यो न विप्रलब्ध अथवा जो ठगा न गया हो। नियतम इयम आलेख्यगता भी चलती, निश्चित रूप से आलेख्यगता भी चित्र लिखित होने पर भी चलती, चली जाती है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरती, पुस्तमयी पुतली में बनी हुई होने पर भी, जैसे लकड़ी की मिट्टी की पुतली में बनी हुई होने पर भी इंद्रजालम आचरती, जादू दिखाती है, जादू के समान कभी गायब वहाँ से चल पड़ती है, गायब हो जाती है। उत्कीर्णापि विप्रलभते, पत्थर में खोदी हुई भी धोखा देती है। श्रुतापि अभिसंतत्ते, सुनी हुई भी ये छल करती है। चिंतितापि वंचति, और चिंतन किए जाने पर, सोच विचार कर इसे रखे जाने पर भी यह ठगती है। तो यहाँ इयम संवर्धन वारी धारा से लेकर धर्मेंदु मंडलस्य तक कवि ने सुंदर रूपक अलंकार की रचना की है और लक्ष्मी के ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन किया है कि वह लक्ष्मी केवल मनुष्यों को हानि ही पहुंचाती, कभी भी मनुष्य का
हित नहीं कर सकती है, भला नहीं कर सकती है। विभिन्न प्रकार की बुराइयों को, विकृतियों को यह लक्ष्मी उत्पन्न करती है। यहाँ इस अनुच्छेद में यथा यथा च इयम चपला दीप्यते तथा तथा दीप शिखायु, यहाँ उपमा अलंकार की कवि ने रचना की है और दीप शिखा एव यहाँ गुण संधि हुई है। साथ ही विभिन्न संदर्भों के द्वारा, विभिन्न शास्त्रों के संदर्भ से कवि ने इस लक्ष्मी का सुंदर प्रतिपादन किया है। कवि ने यहाँ कपट नाटकस्य, नाटक शब्द का प्रयोग किया है। कवि नाट्य शास्त्र से परिचित है, ऐसे ही संगीतशाला रूपिकार नाट्या नाम, यहाँ पर भी नाट्य शास्त्र से कवि परिचित प्रतीत होते हैं। साथ ही विस्फोटक शब्द का कवि ने प्रयोग किया है, तो कवि का आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान भी यहाँ हमें पता चलता है। विस्फोटक फोड़े फुंसी त्वचा पर जो हो जाते हैं उसे ही विस्फोटक कहा गया है। इस प्रकार से लक्ष्मी किस तरह से व्यक्ति को दुर्गुणों से युक्त करती है और अपने जाल में फांस कर व्यक्ति का जीवन व्यर्थ कर देती है, इसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।